कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वो क्या था, समाजीकरण, है ना। तो हमने ये बताया कि बालक और समाज किस प्रकार अंतर संबंधित, क्यों हम समाज के बारे में जाने, और एज ए शिक्षक क्या रोल है हमारा बालक के समाजीकरण में। लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो आपके ऑप्शंस में आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उन बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे कि आपके कुछ प्रश्न मैं फिर से लाई हूँ, उसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे कोई बिंदु हैं जो नॉर्मली तो हम जानते हैं समाज क्या है, समाजीकरण क्या है, लेकिन जब वो पॉइंट्स आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, जो समाजीकरण की चीज़ है उसमें आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक तो जो सामाजिक मानक है और दूसरा जो तात्कालिक परिवेश। जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में दो पॉइंट्स होने चाहिए, क्या, एक तो आपका मानक क्या है और जो दूसरी चीज है वो क्या, तात्कालिक परिवेश। दोनों में बहुत डिफरेंस। मानक क्या होता है, पूर्व में निर्धारित कोई एक नियमों का एक स्ट्रक्चर सेट समुच्चय जो ये निर्धारित करता है कि कोई चीज कैसी है। जैसे समाजीकरण क्या है, अगर हम उसके मानकों को जानेंगे तब हम बताएंगे कि समाजीकरण क्या है। और तात्कालिक परिवेश को हम नहीं डिफाइन कर सकते, क्यों, हम कक्षा में गए, आज का परिवेश कैसा, बच्चा घर पे क्या सीख के आया, उस पर किसी चीज का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, तात्कालिक परिवेश में। तो जब भी हम शिक्षण या ऐसे टॉपिक से प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, एक तो उस पूर्व में हमने उसके कौन कौन से सिद्धांत या मानक पढ़े हैं, और दूसरा वो प्रश्न किस परिवेश को निर्देशित करता है। अच्छा, कंडीशन बेस्ड उस पर प्रश्न आते हैं ना, क्योंकि यहाँ हम यूपी टेट की बात नहीं कर कि आपको रट के जाना और आप पास हो जाएंगे, यहाँ सारे प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न आपने देखे होंगे सीटेट के, ये कंडीशन बेस्ड होते हैं। वही चीज हम पढ़ते कुछ और है, वहां ऑप्शन में उससे भी अच्छी चीज लिख के साधारण शब्द में हम बढ़िया बड़ा ऑप्शन लगा के चले आते हैं, और छोटा ऑप्शन जो लगता है अरे ये तो हो ही नहीं सकता, और जब आंसर की आती है तो क्या वही होता है। इस प्रकार से आपको एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जब भी समाजीकरण की बात करेंगे तो हम पहले ये जानेंगे कि समाजीकरण के मानक क्या क्या है। जैसे मानकों में समाज क्या है, आपने पढ़ा, एक व्यक्ति है, ठीक है, या अकेले क्या, इसका जो भी पॉइंट है, जो भी फैक्टर है वो इसका व्यक्तिगत है। फिर इनमें अगर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कोई समान गुण कॉमन है, जैसे दोनों महिलाएं हैं, पुरुष है, ग्रामीण है, शहरी है, मानव है, कुछ भी है, तो अगर कोई चीज इसमें फैक्टर कॉमन है तो उसको जब कई व्यक्ति हो जाएंगे, दो या दो से अधिक, तो इसको क्या कहेंगे, समुदाय। और इन्हीं समुदायों का, मान लीजिए समुदाय है, इन्हीं समुदायों का समुच्चय क्या कहलाता है, समाज की एक और डेफिनेशन है, सामाजिक संबंधों का जाल, अर्थात ऐसे संबंध जो सामाजिक रूप से मान्य हो और व्यक्तियों के बीच में हो, तो ऐसे जाल को हम क्या कहेंगे, समाज, ठीक है। समाजवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है, और समाज शास्त्र की बात करें शिक्षा में तो कामटे, अगस्त कामटे का नाम आता है। दो चीज याद रखिएगा, अगर समाजवाद एक अलग से विषय या समाजवाद की बात करेंगे तो किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स का, और अगर शिक्षा में समाज शास्त्र की बात हुई तो किसका आता है, अगस्त कामटे का नाम आता है। यहाँ दोनों चीज अलग है, एक तो पूरा समाज जो समाज का इस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं उसको समाजवाद कहेंगे, और अगर शिक्षा के परिवेश में कहेंगे इसे तो वो क्या है, शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार। दोनों डिफरेंस, दोनों में क्या है डिफरेंस, एक व्यापक है और इसकी अपेक्षा क्रिया क्या है, थोड़ा सा सूक्ष्म, इसकी अपेक्षा क्योंकि ये सीमित है शिक्षा तक और ये पूरा समाज है। तो यहाँ जब बालक का हम समाजीकरण करेंगे तो उसमें हमें पहले ये ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को कि वास्तव में समाज क्या है, समाजीकरण क्या है, और शिक्षा का समाज शास्त्र क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं शिक्षा को और समाज को। जैसे एक शब्द आता है परिवर्तन, ठीक है, और ये परिवर्तन जो है ये कौन सा हो, सामाजिक, सुना होगा कहीं सामाजिक परिवर्तन, तो जनरली सुनते सब है, इसको समझने की बात है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, बालकों के लिए नहीं है, आपके लिए कि आपको जानना है कि समाज क्या है। तो समाज में जो मानक बने हुए
उन मानकों में परिवर्तन किया जाए या जो आपका संरचना बने उसमें कोई परिवर्तन हो, ठीक, जो पूर्व बने हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए या उससे डिफर कर जाए, अर्थात कोई ना कोई आपको चेंज दिखे, एक को दूसरे से कंपेयर करें तो आप कुछ अंतर निकाले, तो उसको क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन। एक टर्म होता है सामाजिक गतिशीलता, अलग अलग चीज। सामाजिक परिवर्तन आपने समझा कि जो परिवर्तन होता है जैसे पहले से भिन्न, वो जनरली कुछ भी हो सकता है, उसकी मान्यताएं बदल सकती है, संरचना कंटेंट बदल सकते हैं, क्या क्या चीजें तत्व बदल सकते हैं, लेकिन गतिशीलता क्या है? आगे की ओर बढ़ना, मोबिलिटी, चालकता। लेकिन यहाँ सामाजिक गतिशीलता क्या है? एक से दूसरे में, मतलब एक संरचना से दूसरे संरचना में प्रवेश करना। जैसे एक स्ट्रक्चर समाज का बना है मान लीजिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और एक बना है क्या पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से चल के पाश्चात्य, मतलब जो फॉरेन के पश्चिमी देशों के, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो अगर एक को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं तो इसको कहेंगे क्या? गतिशीलता। एक होती है सामाजिक बाधा। बाधा क्या होगी? रीति रिवाज। हाँ ठीक है, कुछ एक्सटर्नल आपके टर्म है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आपने बताया क्या? रीति रिवाज। तो रीति रिवाज जो होता है जरूरी नहीं है कि बाधा बने, क्योंकि आपकी अपनी संस्कृति से रिलेटेड होता है। यहाँ क्या है? संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? जो हमारे आचार विचार, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, जो आचार विचार, जिस उस आचार विचार के प्रति हमारी जो आस्था है, उसे हम अपनी क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, तो अच्छा फील होता है ना, भले है ना, है अंदर से नहीं है बाहर से ही है, हमारा ड्रेसअप है, हमारी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, अच्छा फील होता है ना। तो वो क्या है? आस्था है। जैसे भगवान के लिए ऐसे मन में लोग ऊपर से कहते हैं, अंदर से नहीं होता, लेकिन जैसे कहते हैं ना भगवान के प्रति पूजा कर रहे हैं तो कहते हैं आस्था है। वैसे संस्कृति में क्या है? हमारे जो आचार विचार, जो पूर्वज हमारे देख गए, उसके प्रति क्या है? आस्था है। तो ये आस्था से रिलेटेड ये रीति रिवाज होते हैं। लेकिन अगर ये रीति रिवाज हमारी जो परंपराएं हैं रूढ़ी हो जाए, रूढ़ी भी परंपरा है लेकिन ऐसी कि इसका पक्ष क्या हो? निगेटिव, समझ रहे? तब यही बाधा बने। धर्म के नाम पे एक आपका टर्म आता है क्या? धर्म निरपेक्षता। हाँ वो भी आता। देखिए ये सब शब्द आपके यूज हो सकते हैं ऑप्शन में, एज अ टीचर आपको जानना है इसलिए मैं इसको क्लियर करी, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा पढ़ने, लेकिन यहाँ जरूरत है सीटेट में कि आप जानेंगे नहीं तो आप क्या एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा कम है, कौन सा सही है, कौन सा गलत। उसमें चार के चारों सही होते हैं लेकिन ज्यादा सही क्या है आपको ये लगाना, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। धर्म क्या होता है आप जानते हैं? ऐसे संविधान में एक टर्म है पंथ, है ना, वहां धर्म की बात नहीं, वहां पंथ निरपेक्ष कहा गया। लेकिन यहां समझिए धर्म आप वही धर्म जो जानते हैं, जैसे हमारे जो ईश्वर के प्रति आस्था या हमारे जो जो एक समुदाय है धार्मिक रूप से, उसका जो एक कल्चर है उसको एक तरह से आप धर्म के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर धर्म निरपेक्षता की बात ये नहीं है कि हम अपना धर्म न माने, किसी धर्म को न माने, धर्म निरपेक्षता की बात है कि हम अपने धर्म का जितना सम्मान करें दूसरे के धर्म का भी उतना सम्मान करें, और धर्म कहीं हमारे संबंधों के बीच ना आए, धार्मिक रूप से कोई भी फैक्टर हमें अफेक्ट ना करे कि हाँ वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उसे कहते हैं धर्म निरपेक्ष। तो ये भी एक कारक है आपका क्या? सामाजिकरण। धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। लेकिन अगर यही धर्म सिर्फ लिख दें तो हो सकता है कि ये क्या बन जाए? बाधा बन जाए। एक शिक्षक को विचार करने की जरूरत। फिर आपने अभी बोला क्या? जाति। जाति भी, जाति खराब नहीं है, लेकिन जाति जब बाधा बने समाज के विकास में, उसकी गतिशीलता में, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक बाध्यता या बाधा। ये जानेंगे तब ना इसको दूर करेंगे, आप जानेंगे नहीं तो कैसे दूर करेंगे। अब जब जाति बनती है, अगर नहीं बनती तो हमें क्या रिजर्वेशन सिस्टम लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनी तभी ना आया, उसको दूर करने के लिए कि जो चीजें पूर्व में छीन ली गई किसी का अधिकार, वो अधिकार हम अब देंगे।
तो यहाँ जब जाति आप भेदभाव करें जाति रूप, जैसे हाँ आप इस कास्ट के हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ उस कास्ट का निकल गया ज्यादा नंबर दे दे, होता कि नहीं, घर का निकल गया, बगल का निकल गया, हाँ क्षेत्र, ठीक है, स्वार्थ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बाधा बनते हैं समाजीकरण। जब आप अपना स्वार्थ देखने लगेंगे तो कभी आप सामाजिक प्राणी के रूप में उत्कृष्ट नहीं बन सकते। तो यहाँ इन सबको क्या करना होता है, हमें दूर करना होता है। तो हमें एक शिक्षक की बात करें तो समाजीकरण के अगर बात की जाए तो शिक्षक को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसके अंदर मानवीय मूल्य होना चाहिए, हाँ संस्कृति के प्रति आस्था हो, लेकिन कोई बाध्यता ना हो कि हाँ कोई चीज़ इफेक्ट करे। लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जेंडर स्टडीज जो पढ़ते हैं हम, अभी कल एक प्रश्न था ना, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाजीकरण को बाधित करते हैं, या बच्चे के समाजीकरण। जब शिक्षक के अंदर ये अवगुण है तो वो सारे आपको बालकों के अंदर वो कैसे दूर करेगा, जब हमारे अंदर ही हम पक्षपात करेंगे तो कल हो जाएगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ, हम उनके कास्ट के नहीं थे, हमको कम नंबर मिला, तो अब हमारे कास्ट वाले जितने आएंगे हम उनको ज्यादा नंबर देंगे, और उनके कास्ट वाले आएंगे जब अधिकारी बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, प्रैक्टिकल में जाएगा नंबर देने, तो वही चीज करेगा ना। अर्थात ये शिक्षक से किसको संदेश जा रहा है, बालकों, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए अगर सिर्फ समाज की बात की जाए तो समाज का जो महत्वपूर्ण जो एजेंसी होती है, अभिकरण होता है, वो परिवार होती है। लेकिन शिक्षा के समाज जो समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो शिक्षा की जब बात आए तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। जब शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो उसमें शिक्षा देंगे तो विद्यालय इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा अगर समाज की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, परिवार, क्योंकि आप परिवार से ही आते हैं और यहाँ से पढ़ के परिवार में जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के आते हैं। कुछ अन्य प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। देखिए सारी चीजें समाज से ही पढ़ेंगे, आज ये खत्म हो जाएगा ताकि फिर दोबारा आपको इसको न पढ़ना पड़े। बताइए कौन सी मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। बताइए नाम सुना है कभी सामाजिक अधिगम, त्रुटि प्रयास ना, इरिक्सन, इरिक्सन की बात करी थी, मनो सामाजिक ये है इरिक्सन, ठीक है, और सामाजिक अधिगम बंडूरा। जब आप अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे तो बंडूरा को पढ़ेंगे, हालांकि आता नहीं बहुत ज्यादा लेकिन जानना जरूरी है, बहुत ही अच्छा इन्होंने सिद्धांत दिया। और इनके सदी के चार सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में बंडूरा का भी नाम, ठीक है। तो आप समझिए जो सामाजिक अधिगम क्या, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि व्यवहार पे डिपेंड होती है, जो सीखते हैं, है ना, और कुछ चीजें होती है जो किस पे होती है, सूझ पे, कहते हैं सूझवादी व्यवहार आदि से पढ़ के आप। लेकिन इन्होंने एक नया टर्म बताया समाज, वो समाज नहीं, इन्होंने वातावरण बताया, और कौन सा वातावरण, समाज। बोला इन्होंने कि जो अधिगम होता है वो तीनों के बीच की अंतर क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगर पूछा जाए इन्होंने किस विधि से सीखने को बोला तो वो है अनुकरण विधि। आगे आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब सामाजिक अधिगम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए देखिए कैसे सीख रहा है, उसके व्यवहारवादियों के जैसे जैसे सीखता है, कोई सूझवादियों के जैसे सीखता है, और इन्होंने बंडूरा ने क्या कहा कि एक वातावरण भी होता है, जो कौन सा वातावरण होता है, सामाजिक। बच्चा कभी अकेले सिर्फ इससे नहीं सीख सकता, ये तीनों के बीच होने वाले अंतरक्रिया से सीखता। इसी समाज के परिप्रेक्ष्य में एक ही पॉइंट है, एक और आपको सिद्धांत का नाम आगे मिलेगा, वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आपने सुना होगा मेस्लो का। मेस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आ गई बात तो यहां तो जान
कहाँ कितनी चीजें आपकी आ सकती हैं, आने की संभावना, ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, हो सकता है पूछे जाए, या है तो पढ़िए, पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए, आप ये थोड़ी करने जा रहे कि आपको बस सीटेट पास होना, आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो 5 स्टेज दिए थे आवश्यकता के, एक क्या थे आपकी जैविक सुरक्षा, सामाजिक या प्रेम संबंधी, आत्मविश्वास और आत्मभिव्यक्ति। इन्होंने 5 स्टेज दिए कि सब इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते जो जैविक आवश्यकता है या शारीरिक आवश्यकता। क्या क्या? भूख प्यास आपको लगेगी ही, आपको भोजन की आवश्यकता है ही, जल की आवश्यकता है ही, वायु की आवश्यकता है, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आप जीवित भी रह ले, पता चला आंधी आई, भीग गए, बीमार पड़ गए, शेर आया बाहर सोए हैं उठा ले गया, भिगुआ आता था ना बचपन में गाँवों में, हम लोग बहुत डरते थे, है ना, भिगुआ आता था उठा ले जाता तो बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप जैविक पूर्ति हो जाती है तो आपकी सुरक्षा संबंधी क्या होते हैं आवश्यकताएं होने लगती कि ठीक है अब पेट भर गया है, अब हम सुरक्षित रहें, कपड़ा पहने, ठंड ना लगे, ये सब चीजें ये भी पूरी हो गई। तो जो आपका 3रा स्टेज है इसमें सामाजिक या प्रेम संबंधी आपके क्या होते हैं आवश्यकताएं। ऐसे कई लोग, कई बच्चों की ये डिमांड होती है, बोलते हैं ऐसा कि मम्मी उनको मानती है, पापा उनको मानते हैं, हमको नहीं मानते। आपको खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, क्या जरूरत है मानते नहीं मानते, कोई है जरूरत तब ना। जा रहे हैं बहुत ज्यादा आप बन ठन के जा रहे हैं और लोग देख के दूसरे साइड मुंह घुमा रहे हैं, क्या आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी? कुछ लोगों को रहेगी है ना, लेकिन नहीं रहेगी, वो कहेंगे अरे ये तो ढाकू था, अब ऐसा हो गया है ना, मान लीजिए ऐसा इस प्रकार से कहे। तो यहाँ पे एक जो हमारी आवश्यकता होती है, नीड होती है 3रे स्तर की, वो सामाजिक या प्रेम संबंधी होती है कि हमें इसकी जरूरत होती है। यही इफेक्ट किसको करता है? समाज, इसी से निर्माण होता है समाज का। अपना पेट भर लिए, सुरक्षित रह लिए तो हम आगे की ओर चलते हैं और समूह में जाते हैं, समुदाय बनाते हैं, समाज में क्या करते हैं समावेशित होते हैं। तो ये आपकी चीजें हैं जो सामाजिक रूप से आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि एज अ टीचर आप कैसे बालकों को समाज, जो समाजीकरण बालकों का है करेंगे, तो उसके भी कुछ फैक्टर, जैसे ज्यादातर आप जानते हैं जो जनरल, जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, तो एक होता है छात्र अभिभावक संघ, ये बनता है स्कूलों में, क्यों बनाते हैं? आया बच्चा पढ़ा के भेज दीजिए, क्या जरूरत है उसके अभिभावक से मिलने की, क्या जरूरत है उनसे पूछने की? ये जो आपका टर्म है ये भी किसके लिए किया जाता है? समाजीकरण की। आप जानेंगे कि उनका परिवेश क्या, आप जानेंगे कि उनको कौन समस्या है, आप जानेंगे कि यहाँ जो बताते हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरी में लिख के देते हैं हाँ आप क्या करिए इतनी चीजें, वो पेरेंट्स जाने कि इसका क्या विचार है या किस प्रकार से इसका प्रोग्रेस है। तो ये जो चीजें की जाती है ये किसी न किसी रूप से समाजीकरण से क्या होती है संबंधित होती। खेल कूद जो आप कराते हैं, एक तो होता है इसमें प्रतिस्पर्धा, तो जो आपका खेल कूद है उसमें जो प्रतिस्पर्धा हो, एक शिक्षक का समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह व्यू होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा क्या हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वह प्रतिस्पर्धा है जिसमें कोई मानसिक तनाव ना, कोई भेदभाव ना, ठीक है वो फर्स्ट टाइम है सेकंड है तो मुझे उनसे जलन ना। तो एक ऐसा आपको टर्म इन्वॉल्व करना है अपने विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी पाठ सहगामी क्रिया है, जिससे बालकों का समाजीकरण क्या हो बढ़े। जैसे आप कहते हैं डिबेट, वाद विवाद, ये टीचर के रोल बता रहे, तो वाद विवाद से क्या मतलब? हम जानते हैं हम सही हैं, आपसे कोई मतलब है, जैसे मान लीजिए हम आप पे थोप रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है पूछने से, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। अगर बार बार ऐसा पूछा जा रहा है तो इसमें कोई ना कोई समाजीकरण का फैक्टर है, अर्थात यहाँ पे हमें ऐसी एक्टिविटीज करानी है जो बालकों के समाजीकरण को बढ़ाए। इतनी चीजें क्लियर है, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे।
एक आपका बिहार टेट में प्रश्न आया हुआ है, समाज मिति तकनीकी। ठीक है, समाज मिति तकनीक क्या है? समाज मिति तकनीक क्या है? पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक स्तर की जांच, दूसरा है समाज का सर्वेक्षण, तीसरा पॉइंट है समाजीकरण की जांच, और लास्ट पॉइंट है सभी ऑप्शन। आंसर बताइए। समाज मिति तकनीक ये नया टर्म है, आया हुआ है दो जगह, दिल्ली के पीआरटी में आया है और बिहार के टेट प्राइमरी में आया है। समाज मिति तकनीक क्या है, जिससे मापते, एक मापनी तकनीक है मूल्यांकन की, नाम सुना होगा सोशियोमेट्रिक। अभी बोल रहे हैं कि ये क्या है, क्या नापता है? आर्थिक स्तर की जांच करता है कि समाज का सर्वेक्षण करता है कि समाज जो समाजीकरण है उसकी जांच करता है या सभी? आंसर क्या होगा? कितने लोग फर्स्ट में हैं, कितने लोग सेकंड में हैं, कितने लोग थर्ड में हैं, कितने लोग फोर्थ में? हाथ उठाइए। ये है सीटेड समाज का सर्वेक्षण, ये भी और तुक्का मारी, दो ही बचे। अब ये तो होगा ही नहीं, होगा क्या आंसर? इसका रीजन है मैं आपको बता रही हूँ, आप आर्थिक स्तर की जांच कभी भी नहीं करते हैं, पहले आप ये जाने कि समाज नीति तकनीक क्या है, तब आप आगे समझ। जैसे कहे इस कक्षा की सबसे शरारती खुरापाती लड़की कौन, तो एक तो मेरा व्यू है, हम नहीं, एक तो मेरा व्यू है ना, कि मैं किसी को बोल दूं कि हाँ ये शरारती। कुछ आपका व्यू होगा, कुछ आपका व्यू होगा, कुछ आपका, तो ऐसा टीचर आप कहेंगे कि हाँ मेरा व्यू सबसे सर्वोपरि, हम बोलिए शरारती, तो शरारती हो सकता है, घर से वाद विवाद हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, कभी रास्ते में कुछ बोल दिया हो, है ना, तो उसका हम बदला भी तो ले सकते हैं। तो एक तकनीक अपनाई जाती है, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, ये आपके क्या है, अवयव या व्यक्ति, या जैसे आप लोग। अब ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा खुरापाती की बात करेंगे, तो कहेंगे वरीयता दीजिए, फर्स्ट सेकंड, हो सकता है एक से आपकी दुश्मनी हो दूसरे से नहीं, तो दो लोगों को आप करेंगे ना, इन्होंने कर दिया किसको, इनको और इनको, ये दोनों बहुत ज्यादा खुरापाती। ठीक, फिर इनसे पूछा गया, इन्होंने इनको कर दिया और इनको कर दिया। ठीक है, एरो देखिएगा किधर जा रहा है। फिर इनसे पूछा गया, तो इन्होंने इनको कर दिया और इनको कर दिया। इनसे पूछा गया, तो इन्होंने इनको कर दिया और इनको कर दिया। और इनसे पूछा गया, इन्होंने इनको कर दिया और इनको कर दिया। अब बताइए सबसे खुरापाती कौन दिख रहा? सभी। सबसे ज्यादा एरो किसकी साइड है? एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये तो इनका आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये तीन है, यहाँ पे चार जा रहे हैं, है ना, दिखा आपको, या जो जिसके साइड एरो मान लीजिए ज्यादा हो, वही सबसे खुरापाती घोषित हो जाएगा फिर आपके ही द्वारा। आप जान के नहीं किए, फर्स्ट सेकंड किए ना वरीयता, हो सकता है एक से पक्षपात करें दूसरे से ना करें, तो दो किए तीन किए तीन को रेटिंग किए, तो कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसके साइड सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी और सबसे खुरापाती जो लड़की होगी वही होगी। तो इस विधि को क्या कहेंगे? समाज विधि। कोई भी चीज सबसे पॉपुलर, सबसे सौम्य, हाँ सबसे बुद्धिमान, सबसे अच्छी वक्ता, जैसे हमको डांसिंग कंपटीशन करना है तो हमें नहीं पता कौन कैसा डांस करता है, हमने कर दिया एक सर्वेक्षण, आप बताइए, सबने एक दूसरे का देखा होगा तो आप बताइए, तो जिसके ज्यादा जो ऐसे होंगे जिसके साइड सबसे ज्यादा एरो होंगे वो क्या होगा, सबसे अच्छा डांस करता होगा, तो हम उसका क्या करेंगे यहाँ पे डेमो कराएंगे, हमारे लिए इजी रहेगा ना। तो इस प्रकार की तकनीकें जब अपनाते हैं तो वो समाज नीति तकनीक, इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, समाजीकरण की जांच, समाज का सर्वेक्षण। हम समाज का सर्वेक्षण और समाजीकरण की जांच, मतलब हम यहाँ जांच कर रहे हैं कि वो समाजीकरण हुआ कि नहीं, आपने उसको किया कि नहीं।
समाज का सर्वेक्षण मतलब सर्वे मेथड है, ये सर्वे करते हैं कितना परसेंट क्या है कितना, वो सर्वे मेथड ही अलग है, ठीक है। आप जब सर्वेक्षण करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव आपके रिसर्च में आता है कि ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सर्वे करते हैं कि ये आप क्या, आपके क्या विचार है सबका। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सबसे अच्छी बात बोली जाए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ हम सबसे ज्यादा जांच करते हैं समाजीकरण, अच्छा है खराब है, मतलब जो भी समाजीकरण के अंतर्गत इतने सारे पक्ष आए, सारी चीजों की हम जांच किससे कर सकते हैं, ये विधि है तो ये अलग मेथड है ना। आप समाज का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वो सर्वे मेथड से करेंगे, और अगर जांच कर रहे हैं तो आप उन्हीं के द्वारा उन्हीं की जांच कर रहे हैं आपस में समाजीकरण विधि से। विधि है समाजीकरण ना, कि हम तो कर नहीं रहे, आप ही आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन कर, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न। फिर एक और प्रश्न लिखिए, समाज शास्त्रीय व्यक्तित्व, समाज शास्त्रीय व्यक्तित्व के प्रणेता हैं, के प्रणेता हैं, पहला ऑप्शन आपका स्पेंजर, बंडूरा, डीवी, रूसो। बताइए, तुक्का ही माना ही सुने नहीं है ना, इसीलिए तो प्रश्न लाए, जो नहीं सुना वो प्रश्न करिए, प्रश्नीकरण विधि से पढ़िए। इसमें जो आंसर है इनका अधिगम का है, और इनका क्या है समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व की बात, जो एक फैक्टर की एक व्यक्तित्व में समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसने बात की वो थे स्प्रेंजर। ये भी प्रश्न आया, ठीक है। और लिखिए प्रश्न, सामाजिक अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम होता है संपर्क से, अलगाव से, भीड़ से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। ऑप्शन बताइए आंसर, संपर्क से, अलगाव से, भीड़ से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से। ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं अच्छा लग रहा, वेरी गुड। ये अरे भीड़ समाज में तो आती है, ये तो नहीं अच्छा लग रहा, यही होगा। अभी ना ऑप्शंस में तो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अभी यही ऑप्शन मोल्ड कर दें, कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन आ जाए तो आप वो लगाएं। लेकिन यहाँ पे आप जो आपका ऑप्शन है वो संपर्क से ही होगा, क्योंकि ये जो दृश्य सब सामग्री, ये तकनीकी का इन्वॉल्वमेंट है, वो तो खुद ही आप इंसान को दूर करे जा रहे हैं। यहाँ क्या होगा, हम संपर्क से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से सामाजिक अधिगम होगा। ये भी आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उसमें आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, सामाजिक प्रगतिशीलता, सामाजिक प्रगतिशीलता मॉडल, वो नहीं दूसरा मॉडल नहीं, ये मॉडल है ना, सामाजिक प्रगतिशीलता मॉडल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये नहीं लिखा रहता है और आपको कभी दिखता नहीं है, जबकि ये नहीं ऐसे ऐसे भी लिखा रहता है और मोटा मोटा भी लिखा रहता है, पता नहीं हर बार यही होता है, नहीं वाला हाँ हाँ वाला नहीं हो जाता तुरंत, देखे अरे ये तो है, टिक गोला में भर दे,
वो प्रश्न आपका, वो कई लोग सही कर सकते हैं और आप गलत करके आते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके भ्रांति में गलत होते हैं वहीं आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ये नहीं वाला टर्न हर एग्जाम में आपने फेस किया होगा कि एक दो प्रश्न तो आपके ऐसे हुए होंगे। तो आगे सीटेट में, चाहे आपका फर्स्ट हो चाहे कैथोड अटेम्प्ट हो, ये चीज़ करिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं भी दिया रहता और नहीं ये भी नहीं, ऐसा भी हो सकता कि नहीं दिया। तो देख लीजिएगा, दो बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तब इसमें ऑप्शन लिखे मॉडल नहीं है, नहीं वाली इसमें तो है मतलब नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका समूह कार्य में सहभाग, समूह कार्य में सहभाग व सामाजिक कौशल को सीखना, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा है बताई गई बात को स्वीकारना, बताई गई बात को स्वीकारना चाहे किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के हो, चाहे किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के हो। तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान। चौथा आपका सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ये दिख गया ना? नहीं, पहले ही दिखा दिया गलती का ना। यही अगर हम नहीं देखते ना, कैसे गलत हुआ था बहुत सारे लोगों का, यही हम नहीं देखते तो हम ऑप्शन में, अरे लगभग तो सभी लग रहे हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो मान लीजिए ये सबसे ज्यादा अच्छा रहता, सबसे बड़ा लगता तो ये लग जाता है ना। सबसे अच्छे अच्छे शब्द आपको दिखते हैं तो लगता है आंसर यही होगा, ऐसा होता है। अच्छे शब्द, जटिल शब्द जो समझ में ना आए वही हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी टेक्निक होती है कि आपको भ्रांति में कैसे लाए ऑप्शन में। तो ऐसा करते हैं कि अच्छे शब्द, अच्छे सेंटेंस बनाते हैं और जो जनरल होता है, जो आंसर होता है वो जनरल में बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका आंसर है कि बताई गई बात को स्वीकारना चाहे किसी सामाजिक पृष्ठभूमि, बिना उसके औचित्य देखे हम नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि ये सामाजिक प्रगतिशील मॉडल है। अगर प्रगतिशील नहीं होता, रूढ़िबद्ध होता, तब तो जैसे कहते ऐसा स्वीकार करना ही है। लेकिन प्रगतिशील आपको बताया ना, जैसे गतिशीलता बताया ना कि हाँ एक एक संरचना से दूसरी संरचना में प्रवेश, तो प्रगति करना, तो प्रगति करना, तो कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते अगर हम हर चीज को स्वीकार कर लें बिना कुछ विचार किए। इसका आंसर क्या है आपका, सेकंड वाला। और एक प्रश्न लिखिए, समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है, समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है, ये तो आप बताइए, अभी पढ़े। समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है कौन सी होगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? किशोरावस्था। विशिष्ट अवस्था की बात की जाए तो वो है बाल्यावस्था। याद रखिएगा, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ठीक है। अगर हम ये देखिए, जब भी समाज की विशिष्ट अवस्था की बात करें, जो 9 से 12 साल की जो एज ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट मानी जाती है समाजीकरण में। अगर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लिया, ऐसा माना जाता है एवरेज के रूप में 9 से 12 साल के वर्ष की अवस्था में ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा समूह में खेलना, ये सब चीजें बहुत करता है, ग्रुपिंग को बहुत महत्व देता है, देखते ना एक समाजीकरण होता है ना। तो इसमें ये जो सबसे विशिष्ट अवस्था होती है वो बाल्यावस्था आपकी होती, ठीक है। इससे संबंधित और भी प्रश्न है, आप सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी पूछिएगा।